आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने लैपटॉप को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अपने पावर बटन पर क्लिक कर रहे हैं, तो पावर बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सिर्फ वो कंपनी का लोगो आता है। जैसे कि मैं लेनोवो का यूज़ कर रहा हूँ, तो सिर्फ वो लेनोवो का जो लोगो है वही शो कर रहा है। तो अगर आप HP, डेल या फिर कोई भी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपके सामने इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो दोस्तों वही मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। जो भी बता रहा हूँ ये 100% रियल है और मेरे केसेस पर जो है ये 100% वर्क की है, तो हो सके कि आपको भी यह वर्क कर जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों अगर आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छा बताया है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, और इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हुआ क्या था, जब मैं अपने लैपटॉप को ऑन करने की कोशिश कर रहा था तो सिर्फ लेनोवो का ही जो है लोगो आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम के बारे में मुझे पता था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं वीडियो बनाता हूँ और वर्क ना करे, जो भी मैं ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ अगर वर्क ना करे तो वीडियो बेकार हो जाएगा। तो मैंने पहले इसे जो है ट्रिक को यूज़ किया, फिर मेरा जो लैपटॉप है बिल्कुल सही हो गया। तो किस तरह से मैंने किया वो आपके सामने शेयर करूँगा। तो पहले जो जैसे मैं अपने पावर बटन पर क्लिक करता हूँ, तो करने के बाद लेनोवो का शो हो रहा था। फिर मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपने जो है पहले आप एक ट्रिक यूज़ कर लेना, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया। पहले तो आप अपने बैटरी को रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद आपको मैं बता दूं, या फिर जो पावर बटन है, पावर बटन को 30 सेकंड या फिर 1 मिनट तक आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। होल्ड करके रखना है, फिर बैटरी इंसर्ट करना है। देखिए कुछ मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, जो मैं मेन जो ट्रिक यूज़ किया है तो मैं आपको बता दूंगा, और जो नॉर्मल जो लोग करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो पहले आपको 30 सेकंड या फिर 1 मिनट तक आपको होल्ड करके रखना है, फिर आपको बैटरी लगा देना है, ठीक है। बैटरी लगाने के बाद भी अगर ना आए तो फिर आप बैटरी को निकालने के बाद आप सिर्फ AC जो एडाप्टर है वो एडाप्टर लगाने के बाद आप इसे जो होल्ड करके रखना है, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो आपको सिंपल क्या करना है देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले बैटरी को ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपको जो लॉक मिलता है, ये जो लॉक मिलेगा सबसे पहले आपको इस तरह का जो है शो करेगा। सबसे पहले आपको ये जो इसे लॉक को ओपन करना है, और फिर इसे खींचने के बाद आपको बैटरी को बाहर खींच लेना है। तो इस तरह से आप बैटरी को रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपको करना है, यहाँ पर आपको दो नट मिल जाएगा, दो स्क्रू मिल जाएगा यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का जो है, यहाँ पर एक स्क्रू मिलता है, यहाँ पर आपको एक स्क्रू मिलता है। तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, ये है वो स्क्रू। तो फिर आपको इस तरह से जो है दो स्क्रू को निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपको सिंपल इस तरह से ऊपर जो है स्लाइड करना है, फिर आपको ये जो है खो लेना है, ठीक है। अब आपको किस कौन सी पार्ट रिमूव करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो है रैम का सेक्शन मिलता है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया था कुछ दिन पहले। तो सबसे पहले जो है हम इसे रिमूव करेंगे इस रैम को। तो रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो मिलता है, यहाँ पर आपको इसे खींचना है, इस तरह से खींचना है। खींचने पर आप इस रैम को ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा तो अभी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने पहले भी जो है इसका इस ट्रिक को यूज़ करके मैंने अपने लैपटॉप को ठीक कर दिया। तो आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। तो आपको पहले इसे खोल लेना, अगर आपका कोई रैम लगा हुआ है तो उसे भी आप पहले खोल लेना। तो ये मैंने तो एक्स्ट्रा लगाया था, तो फिर से मैं ये खोलने के बाद जो है मेरा लैपटॉप सही तरह से ऑन हो गया था। तो मैंने सोचा कि यार मैं फिर से इसे लगा के देखता हूँ कि कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो मैं इसे लगाऊंगा नहीं, और अगर इसे लगाने के बाद भी अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। तो मैंने इसे फिर से लगाया था, और लगाने के बाद भी जो है मेरा लैपटॉप बिल्कुल ऑन हो गया था, तो मैं इसे नहीं खोलूँगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से लगाना है और नीचे पुश कर देना है, बस। तो ये लग गया, फिर मैंने इसे ओपन किया, जब मैंने पावर बटन को क्लिक किया तो मेरा जो है ये बिल्कुल ऑन हो गया था। और वो भी काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जो CD का जो सेक्शन होता है, इस सेक्शन को भी आपको खोल लेना है। यहाँ पर कुछ नट मिलता है, तो इसे आपको भी, अगर आपका ये बदलने से ये खोलने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप इसे खोल लेना, ठीक है। तो बस यही था जो मेरे केसेस पे हुआ है। तो जिस तरह से मैंने सॉल्व किया इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेनोवो G500 का जो है मॉडल नंबर है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ज़रूर इस ट्रिक को यूज़ करना, ठीक है। तो मैं आपके सामने जो है फिर से जो मेरा लैपटॉप है इसे मैं ऑन करके दिखाऊंगा कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैंने लगा दिया, और यहाँ पर
बैटरी को लगा देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोगो आया, फिर नीचे जो है विंडोज का आइकन आ चुका है और यहाँ पर लोडिंग भी हो रहा है। तो सिंपल जो है मेरा लैपटॉप बिल्कुल ठीक हो गया है 4 ट्रिक यूज़ करने के बाद, और जो जिसके ऊपर प्रॉब्लम था वो मैंने खोल के लगाया तो फिर भी जो है ये ठीक हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर इस तरह से जो है आप इसे सॉल्व कर लेना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय।